नमस्कार दोस्तों, मैं निक्की, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्लम्बर NK में। आज मैं आपको पौना इंची ब्रास का बोलीवाल जो होता है उसको ठीक करने का तरीका बताऊंगा। कई बार क्या होता है, जब हम बोलीवाल को का हैंडल ऑन ऑफ करते हैं तो वो पानी बंद नहीं होता, तो इसमें मैं आपको जो वाल होता है वो जो फ्री हो जाता है उसको सही करने का तरीका बताऊंगा। और इसके बाद जो है, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी, वो है दीवार वाली जो सीट होती है हमारी, उसको इंस्टॉल कैसे करें। पहले 1 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसके पॉइंट बनाया था मैंने दीवार वाली सीट का। तो अब जो उसकी टाइल लग चुकी है 1 साल बाद, तो उसको मैं फिट करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो पहले ये वीडियो देखिए, अगली वीडियो जो है उसकी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बोलीवाल हो गया हमारा पौना इंची का, ये ब्रास का बोलीवाल है। तो इसका जो अंदर की गोली है वो फ्री हो गई है हमारी। तो मैं इस हैंडल को घुमा रहा हूँ तो अंदर की जो गोली है इसकी वो काम नहीं कर रही है, तो ये इसका मतलब ये फ्री हो गया है। तो इस बोलीवाल को हम सही करेंगे, इसका इसका जो पार्ट है वो खोलते हैं हम। तो इसको यहाँ से खोलेंगे हम, और हमें पाइप रिंच की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्लाइडर रिंच की। तो पहले तो हम इसका हैंडल खोल लेंगे, हैंडल खोलने के बाद फिर इसको खोलते हैं हम। और ये जो बोलीवाल होते हैं ब्रास के, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसको सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा सही करने का। तो ये देखिए, हमारा बोलीवाल खुल गया है। अब हम इस गोली को निकाल लेंगे। ये देखिए, ये जो रबड़ दिख रही है आपको सफ़ेद सफ़ेद, ये ऑन ऑफ के लिए होती है, ताकि पानी जो हमारा रुक जाए। ये देखिए, ये गोली हमने निकाल ली, और इसका ये जो ऊपर का ये बटन सा है, इसको हम निकाल लेंगे। ये बटन देखिए, ये बिल्कुल जंग लग के छोटा हो गया है। और ये जो गोली हम दिखाएंगे, इसमें एक खांचा होता है, उसमें ये बटन जो होता है इसका, ये इसमें फंस जाता है। ये देखिए, ये ऐसे फंस जाता है। तो ये इसका जो बटन है ये घिस गया है, और इस खांचे में लुई बैठ रहा है। तो जब हम ऊपर से ऑन ऑफ करते हैं तो ये काम नहीं करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले रेती से घिस लेते हैं, और उसको भी घिसेंगे रेती से। इसमें ऐसा खांचा बनाना है हमें, ताकि वो उसमें फंस जाए। तो ये हमने घिस लिया, अब इसमें देखते हैं फंसा के। इसको भी हमें घिसना पड़ेगा थोड़ा। ये भी हमने घिस लिया, अब इसमें ये देखना है हमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा फिट। हाँ।
अब मैं इसको फिट कर देता हूँ इसको जैसे था ये। तो ये पहले हमें इसका बटन से डाल देंगे और ये इसमें इसकी ये गोली डालेंगे। ये उस खांचे में फंस जाए, हमारा जो बटन है गोली के खांचे में फंस जाए। ये लगाने के बाद अब देख लेता हूँ, चेक करके घूम रही है नहीं घूम रही है। ये घूम तो रही है लेकिन कसने के बाद पता लगेगा। अब हम इसका ये वाला पार्ट कस देते हैं। इस वाले जो पार्ट हम कस रहे हैं उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद वो प्लास्टिक की रबड़ सी होती है, वो इसलिए रोकती है ताकि अगर जैसे ये हमारी गोली है उससे टकरा जाती है तो एक तरह से रबड़ का काम करती है, पैकिंग का काम करती है वो। जब इसको घुमाते हैं तो वो रबड़ से टकराती है और ऑन ऑफ पानी जो है वही करती है काम रबड़। अब हम इसको कस लेंगे। इस जो पार्ट्स में इसमें ना तो धागा लगाना ना कुछ लगाना, इसमें एक रबड़ बनी हुई होती है। जैसे हमारा फेस होता है टोटी का, उसमें रबड़ बनी होती है, एक छल्ला सा होता है, ऐसे इसमें एक छल्ला सा होता है। अगर छल्ला नहीं है तो आप थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप लगा के कस सकते हैं इसको। तो ये मैंने कस दिया। अब मैं इसको घुमा के देखता हूँ इसमें हैंडल लगा के। अब ये मैं हैंडल लगा के इसको खोल के देखता हूँ मैं। ये गोली नहीं घूम रही है हमारी, तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला जो है ये कामयाब नहीं हुआ। अब मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। अब हम इसका कुछ और जुगाड़ करते हैं ताकि जो है ये कामयाब हो जाए, क्योंकि ये महंगा भी आता है। 160 से स्टार्टिंग है, लोकल लोगे तो 160-170 रुपये का आता है लोकल। सॉरी 160 का नहीं, ये लगभग ऐसे ही आता है, 190 के आसपास, 9 इंची का है ये। तो इसको हम सही करेंगे। तो ये इसके सारे पार्ट खोल लिए मैंने। ये जो गोली है इसमें एक खांचा बना हुआ है, तो इसके बैक साइड में एक खांचा और बनाऊंगा मैं। ये पहले तो मैं ब्लेड से बना लूँगा, फिर उसके बाद इस पर हम ग्लैंडर से बनाएंगे, क्योंकि ऐसा है इसमें ग्लैंडर चलेगा नहीं, डायरेक्ट फिसलेगा। ये देखिए खांचा बन गया। अब ये ग्लैंडर से जो है मैं इसको खांचा बना लूँगा, थोड़ा गहरा भी करना पड़ेगा हमें। और ये खांचा मैं बैक साइड में बना रहा हूँ उसके। और ये खांचा बन गया, ये इसमें देखते हैं फंसा के। उसमें फंसा नहीं है, तो अब मुझे लगता है थोड़ा ये भी घिसना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए इसमें खांचा तो बन गया, अब इसमें देखते हैं फंसा के, और थोड़ा बहुत और घिसना पड़ सकता है शायद। इस गोली को ही थोड़ा और घिस लेते हैं। और ज़्यादा नहीं घिसना है, थोड़ा थोड़ा करके देख लेना है चेक करके हमें। तो अब मैं दोबारा इसकी फिटिंग कर लेता हूँ।
ये देखिए जो मैंने खांचा बनाया नया, इसको लगा देते हैं। इस खांचे में ये जो हमारा इसका बटन है वॉलीबॉल का, उसमें लगा देते हैं। अब ये मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ तो बिना उसके पार्ट के लगाए दूसरे तो ये घूम जाता है। मेन चीज़ है हमें पार्ट लगा के तब देखना है ये घूमता है कि नहीं घूमता बाल। ये देखिए अभी तो घूम रहा है ये। अब मैं इसको कस लेता हूँ, कसने के बाद फिर हम इसमें पानी चला के देखेंगे। एक बार फिर लगा के देख लेता हूँ मैं। ये वॉलीबॉल जो हमने फिट कर दिया है, अब ये देखिए मैंने पानी खोला और ये पानी बंद कर दिया। तो अभी मैं इसको पानी खोल लेता हूँ, इसके हैंडल ऑन ऑफ करता हूँ। ये देखिए पानी बंद हो गया है। तो ये जो हमारा जुगाड़ है ये सक्सेसफुल हो गया। आप भी इसको घर पर कर सकते हैं।